दोस्तों ये है TVS XL 100 कंफर्ट और ये आपको देखने को मिल रही है कोरल सिल्क कलर में, इसे आप कॉपर कलर भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में आज ये वीडियो होने वाला है और इसमें आपको क्या बदलाव किए गए हैं इस कलर में और क्या इस मोपेड में आपको फ़ीचर मिलने वाले हैं, कौन कौन से बदलाव हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपको कलर कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके बारे में हम प्रॉपर बात करेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे ये आपको काफ़ी बढ़िया लुक मिलने वाला है इस मोपेड में। तो वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अभी हम बात करने वाले हैं इस मोपेड के फ्रंट से। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की विंडशील्ड देखने को मिल जा रही है, यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है, ये आपको स्टिकर में मिलता है। साथ में आप देखेंगे कॉपर कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया मिलते हैं और इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिल जा रहे हैं। साथ में आप नीचे देखेंगे यहाँ पर ब्लैक कलर का सेट भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंडिकेटर दोनों ही हैलोजन के साथ में देखने को मिल जाते हैं। जो इसका हेडलैम्प है ये आप देख सकते हैं फुल राउंड हेडलैम्प मिल जाता है और इसमें आपको हैलोजन बल्ब का प्रयोग किया गया है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर DRL आपको देखने को मिल जाता है, सिंगल हॉट मिल जाते हैं। बात करते हैं हम इसके सस्पेंशन की, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक स्प्रिंग टाइप विद डम्पर सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में और इसका डाउन साइड आपको ब्लैक मिल जाता है रिफ्लेक्टर के साथ में और इसमें आपको यहाँ पर आपको मेटल का फेंडर देखने को मिलता है ब्लैक स्ट्रिप के साथ में। वायर मिल जाती है जो इसकी मीटर वाली वायर है ये आपको मिल जाती है। इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते, इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को मिलते हैं और इसमें आपको इसका फ्रंट ब्रेक है ड्रम ब्रेक मिल जाता है 110 mm का और इसमें आपको SBT टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप रिफ्लेक्टर देख सकते हैं दोनों साइडों में, यहाँ पर आपकी ब्रेक देखने को मिल जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे इसके जो मिरर हैं ये आपको रेगुलर वाले ही मिलते हैं, यहाँ पर SBT टेक्नोलॉजी के लिए ब्रेक्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं हम इस मोपेड के हैंडल बार की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हैंडल बार बढ़िया मिल जा रहे हैं, यहाँ पर स्विचेज आपको ऑफ ऑन करने के लिए मिल जाती हैं, हाई बीम लो बीम टर्न इंडिकेटर हॉर्न की स्विच मिल जाती है, यहाँ पर आपको एक किल स्विच भी देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफ ऑन और यहाँ पर सेल्फ की इनबिल्ट स्विच भी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको मिल जाता है जो इसका हैंडल है काफ़ी बढ़िया ग्रिप के साथ में, मिरर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं इसके मीटर कंट्रोल की, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही बेसिक सब मीटर कंट्रोल इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर टैकोमीटर TVS की ब्रांडिंग और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट जो इसका कांटा है ये मिल जाता है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर और यहाँ पर आप देखेंगे हाई बीम इंजन चेक मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे इसमें वार्निंग लाइट भी मिल जाती है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं इसमें और इसमें आपको ये सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको कैरी हुक मिल जाता है जिससे आप कुछ सामान भी आप कैरी कर सकते हैं और इसमें आपको एक और चीज़ मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है USB चार्जिंग पॉइंट, यहाँ से आप देख सकते हैं अपने मोबाइल या किसी अन्य डिवाइस को आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें देखने को मिल जा रहा है और हैंडल बार आपको इसमें सिंगल पीस में देखने को मिल जाती है, यहाँ से आप इसे हैंडल को लॉक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, तो इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है 4 लीटर की और इसमें आपको काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिल जा रहा है, ग्राफिक्स भी आपको काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको क्रैश गार्ड भी देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर आपको लेग स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस बीच में मिल जाता है और काफ़ी अच्छे फाइबर का यूज़ किया गया है, यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया मेटल जो इसका कलर है काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छे मेटल का यूज किया गया है यहाँ पर और यहाँ से आप देखेंगे इसकी सीट काफ़ी ठीक ठाक है, डुअल टोन कलर के साथ में आपको सीट मिल जाती है और यहाँ से आप देख सकते हैं किक और सेल्फ दोनों ही स्टार्ट में ये मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे ETFI की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको फ़ैन कूलिंग देखने को मिलेगी, V6 इंजन है और यहाँ पर जो इंजन है इसकी बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 99.7 cc का 4-stroke सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है और इसकी मैक्स पावर जो है 4.4 PS 6000 RPM पर और इसका जो मैक्स टॉर्क है 6.5 Nm का मिल जाता है 3500 RPM पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो एग्जस्ट है आपको फुल ब्लैक कलर में और इसमें आपको एग्जस्ट मफलर आपको
क्रोम के साथ में मिल जाता है। रियर फुटरेस्ट आपको काफ़ी चौड़े मिल जाते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कैरी हुक भी आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो इसके सस्पेंशन है, ये सस्पेंशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये सस्पेंशन आपको मिलते हैं स्विंग आर्म विद हाइड्रोलिक शॉक मिल जाते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको टायर प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं तो कितना होना चाहिए राइडर और इलियन राइडर के साथ में। तो इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे इसमें ग्रेबरेल आपको मेटल का मिलता है और काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ में आपको बैक रेस्ट का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छे फीचर मिल जाते हैं इसमें। साथ में आप देखेंगे इसके जो टेल सेक्शन है, इसकी टेल लाइट ये आपको मिल जाती है हैलोजन बल्ब के साथ में। और यहाँ पर नंबर प्लेट के लिए आपको प्लेस मिल जाता है। इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल ही मिलते हैं। रिफ्लेक्टर आपको नीचे और काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्पेस मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए। एग्जस्ट आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और रियर ब्रेक आपको 110mm की स्पोक व्हील के साथ में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको चेन कवर भी हाफ वन साइड में देखने को मिल जाता है जो बाहर साइड से चेन को प्रोटेक्ट रखता है। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड और फुटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। ये आपको जो चेन कवर है आपको फाइबर में देखने को मिलता है। बात करते हैं सेफ्टी की, तो यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिल जाता है और जो इसके फुटरेस्ट हैं ये भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आई टच स्टार्ट की ब्रांडिंग भी आपको मिलती है और एक्सेल 100 कम्फर्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और इस मोपेड में जो इसका फ्यूल टैंक है ये आपको 4 लीटर का मिल जाता है और 1.3 लीटर का इसमें रिजर्व मिल जाता है। बात करते हैं इसके कर्ब वेट की, तो इसका जो कर्ब वेट है 89 किलो मिल जाता है, 89 किलोग्राम का मिलता है। और बात करते हैं हम इसके प्राइस की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है 69,780 रुपये। और ये आपको मोपेड उपलब्ध होगी आकांक्षा TVS निकट शनिदेव मंदिर GT रोड नवाबाग फतेहपुर उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप TVS की किसी भी बाइक या स्कूटर को आप परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।